हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मटका मलाई कुल्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये मीडियम साइज का ब्रेड है। अब हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम ब्रेड को तोड़कर डाल देंगे। पंद्रह से 16 हम इसमें काजू डाल देंगे। 4 से 5 इलायची के दाने डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और दूध में हम उबाल आने देंगे। तो अब दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें ब्रेड का पाउडर डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच बादाम का पाउडर डाल देंगे। मेरे पास बादाम का पाउडर था, इसीलिए मैंने बादाम के पाउडर का ही यूज किया है। अगर आपके पास बादाम हो तो काजू और ब्रेड को पीसने समय में ही उसे डाल दें। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें 6 से 7 चम्मच चीनी डाल देंगे। इसे हम मिला लेंगे। थोड़े से हम केसर के धागे डाल देंगे। 1 कटोरी से थोड़ा कम हम इसमें मलाई डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। केसर के धागे ऑप्शनल है, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने देंगे। तो अब ये गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं करेंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे हम इस तरीके से चलाते भी रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई न जमे। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे मैंने मटका लिया है, इसमें हम इस बैटर को डाल देंगे। आप इसके जगह पर कोई भी कटोरी या ग्लास में भी इसे बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाल देंगे। केसर के धागे डाल देंगे। अब हम इसे रैप कर लेंगे।
अब हम इसे 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 9 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। इसके रैपर को हम हटा देंगे। अब मटका कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरीके से मटका कुल्फी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।